बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेस्टर्न सर, आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं बैंक अकाउंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया में, बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है अकाउंट होल्डर का नाम, आईबीएन नंबर और फोन नंबर। इन चंद ही चीज़ों से आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं किसी के नाम पे, उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं किस तरीके से किसी के नाम पे आप अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो विद इन 1 मिनट आपको आपकी पेमेंट आपके रिसीवर को मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है वेस्टर्न यूनियन का, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और सबका मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उस वहाँ से जाकर देख सकते हैं किस तरीके से अपने नाम पर पैसे भेजने हैं या अपने अकाउंट बनाने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर लिया, अब हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। इसके बाद आपके ईमेल पे आएगा एक पासवर्ड और वह अपने पासवर्ड कोड जो है इसमें एंटर करना और लॉग इन हो जाना है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पेज इसका ओपन हो गया। आपने सेंड मनी पे जाना है, अगर नाम पे भेजना है तो भी इसी तरीके से, अगर अपने बैंक अकाउंट में भेजना है तो भी इसी तरीके से। मैंने पहले भी बताया किस तरीके से आप नाम पे भेज सकते हैं। आते ही आपने सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जिस कंट्री में आपने भेजना है। यहाँ से हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, पाकिस्तान में सेंड कर रहे हैं। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है, आप सऊदी रियाल में भी लिख सकते हैं और पाकिस्तानी रुपीज़ में भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों कैलकुलेट करके बता देगा कि इसका कितना आपकी जो है पेमेंट मुकम्मल इसकी बनेगी जो पाकिस्तानी रुपीज़ में। यहाँ पे आपने पेमेंट नोट करनी है, ये मैं जो पेमेंट आपको शो हो रही है इसका जो रियाल का रेट शो हो रहा है ये नाम पे अगर आप सेंड करते हैं तो। अब मैं इसमें बैंक सेलेक्ट करता हूँ, हमारे पास पहले कैश है जो नाम पे सेंड करने का ऑप्शन था, अब हमें इसमें बैंक सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बैंक पे सेलेक्ट किया तो वापसी आप देखेंगे तो इस पर रेट कम हो जाता है, पहले 41.70 था, अब 41.42 पैसा हो गया, मतलब इसका रेट भी बैंक में सेंड करेंगे तो आपको कम लगेगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसमें, अब जो पेमेंट का मेथड है वही है कि आप आधार कार्ड से इसमें पेमेंट कर सकेंगे। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, सबसे आने के बाद आपने कर देना इसको कंटिन्यू। फिर कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज जाएंगे, फिर आपने यहां पे स्क्रॉल डाउन करना है और आप फिर इसको कर देना कंटिन्यू। यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, जिस बंदे को आप पैसे सेंड कर रहे हैं उसका नाम जो बैंक में है, लास्ट नेम, फिर रिलेशनशिप उसको रिसीवर का, फिर मोबाइल नंबर उसका, बस ये चीज़ें आपने देनी है इसके बाद इन्फॉर्मेशन में। और नीचे आपने आने के बाद आपने इसके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास इसका बैंक की इन्फॉर्मेशन होगी, बैंक का नाम और आईबीएन नंबर, ये सिर्फ आपने इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी ऑप्शनल चीज़ें आपने सब छोड़ देनी है, कोई इशू नहीं है, आप ये इसके बगैर भी आपका ये पैसे आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम इसमें अपनी डिटेल इंटर करते हैं, नाम वगैरह इंटर कर लिया है। इसके बाद हम रिलेशनशिप इसमें कर लेते हैं जो कि पर्सनल में अपने खुद ही अकाउंट रोशन डिजिटल अकाउंट में सेंड कर रहा था, तो पर्सनल कर लेते हैं इसमें। उसके बाद आपने बैंक इसका फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना पर्पज़ आप किस वजह से सेंड कर रहे हैं, मतलब फैमिली है सपोर्ट के लिए हम सेंड कर रहे हैं, तो उसके बाद आ जाना बैंक का नाम, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो मैं बैंक फैसल बैंक में सेंड कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी जिस भी बैंक में सेंड करो, तमाम बैंक का एक ही तरीका कार इसमें, ठीक है। उसके बाद आईबीएन नंबर, उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, थोड़ा सा जब आईबीएन नंबर लिख देंगे फिर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसकी जो फीस है 20 रियाल काटे जाएंगे आपके मोबाइल से, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसकी फीस जो बैंक में सेंड करने की है वो 20 रियाल है, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। ये चीज़ देखने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना इसको, जैसे आप कंटिन्यू इसको करेंगे तो आपके पास इसके मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपने कंफर्म कर लेनी है रिसी रिव्यू एंड कंफर्म इसमें आ जाता है, मतलब आपने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देख लेनी है जो जो चीज़ें इसमें हैं, फीस वगैरह और आपकी कटौती कितनी आपके टोटली होगी वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपने थोड़ा स्क्रॉल डाउन और इसको करना है तो आपने यहाँ पे एक बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको आपने एग्री टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद एग्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना इसको कंटिन्यू। जैसे आपका अगला पेज ओपन होगा यहाँ पे आपने पेमेंट की इन्फॉर्मेशन देनी, मतलब आधार कार्ड की आपने इन्फॉर्मेशन, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम और सीवी कोड, सीवी कोड बैक कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट होते हैं वो आपने देने। फिर आपने कर देना पे नाउ पे क्लिक, जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपको बैंक की तरफ से एक कोड आएगा, वो कोड आपने इस जगह पे लगाना है, जिस तरह इसी तरीके से होगा टोटली हर बैंक का तकरीबन यही हिसाब होता है लेकिन पेज मुख्तलिफ होते हैं उसके, तो आपने फिर इसमें कोड लगाना है, फिर आपने चेकआउट कर देना बॉक्स को और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे वेरिफिकेशन होगी और आपका थोड़ी देर बाद ही आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन इसके जो 20 रियाल ये पैसे ज़्यादा काट रहे हैं, आप किसी और बैंक से भी ट्राई करके देख सकते हो। हमारी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो गया है, हमारे जो पेमेंट है वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये पैसे हमारे तकरीबन 2 से 3 दिन में बैंक में जो ट्रांसफ़र होंगे पाकिस्तान में जो अकाउंट में 2 से 3 दिन के अंदर मिलेंगे। अगर आपको जल्दी है ट्रांसफ़र पैसे चाहिए जल्दी तो आप नाम पर भेजें, विद इन 1 मिनट आपको मिल जाएंगे पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री पर आप भेज रहे हैं। तो
इसके बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है। इसको आपने सेव कर लेना है और कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, कोई मसला हो, तो आप इसके रेफरेंस के जरिए आप अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।